बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बड़ा एरिया है। ये तो कड़ी तपस्या करवा दी इन्होंने। बाबू थक गए क्या? चढ़ाई ही चढ़ाई है यहाँ पे। कुंग फू पांडा की याद नहीं आ रही आपको मूवी की? गाइज, मैं और इवान और ओडिन आ जाए हैं बायून माउंटेन पे। और ये यानी देखने की जगह, टूरिस्ट लोकेशन है यहाँ पे बहुत बड़ी, गुआंगझो में बीचों बीच है सिटी के, लेकिन बहुत अच्छा माउंटेन है। तो अभी ओडिन पार्किंग में लगा है। हम इतने देर से पार्किंग का ट्राई कर रहे हैं ना, सिटी एरियाज में पार्किंग बहुत मुश्किल होती है। बब्बू पापा आ रहे हैं और इसका सोने का टाइम हो गया है, तो अब हम बस वेट कर रहे हैं। हम गाड़ी चलती रहेगी तो इवान सो जाएगा, पर आपको आज का पूरा हम सैर कराएंगे यहाँ पे गुआंगझो में, चाइना में। माउंटेन का जो रीजन है, माउंटेन पे लोग कैसे यात्रा करते हैं, कैसे मजे करते हैं। देखो यहाँ पे इनका टूर सेंटर है बाहर ही, इस साइड खाली मैदान है। अब ये पता नहीं, ये बस बाहर का एरिया है, अंदर का नहीं है ये। हम लोग जा रहे हैं मेन गेट की तरफ। ओडिन को पार्किंग में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं और इवान जा रहे हैं पैदल पैदल वहाँ पे। वैसे भी ओडिन को पार्किंग करके वहीं आना है। तो गाइस, हम लोग कुछ नहीं बोले इस बार, हम लोग पासपोर्ट भी लेके आए, मैंने कल ही रख दिया था रात में, लेकिन हम जूते भूल गए इवान के। तो पार्किंग करने के बाद हमको एक शॉप मिल गई, और यहाँ पे पीछे देखो आप, ओडिन है ना शूज़ खरीद रहा है, इवान को ले गया साइज़ के लिए। उसने मुझे नहीं ले गया अंदर, क्योंकि उसको पता है यानी फॉरेनर को देखेंगे हो सकता है ज़्यादा प्राइस मांग ले, है ना। तो इसलिए मुझे उसने बोला तुम दूर रहो। इवान के शूज़ कितने सुंदर हैं। तो ये हम पहुँच गए फ्रेंड्स टिकट काउंटर पे। ओडिन ले रहा है टिकट। वो पीछे का जो एरिया है ना, वहाँ पे है पूरा घूमने का। माउंटेन है, बहुत सारी चढ़ाई है, पता नहीं हम कैसे इवान को लेके जाएंगे। तो गाइज, हम फाइनली अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए एंट्रेंस पे ही वॉशरूम वगैरह है, और यहाँ से हम अंदर आए पीछे से। ओडिन वगैरह आगे चले गए हैं, क्योंकि बस हमको लेट हो गया, 12:30 बज गए हैं, और हमको भूख भी लग रही है अभी। तो देखते हैं क्या खाएंगे। अब यहाँ पे हमको बैग भी सबमिट करना पड़ेगा। तो अब हमको ये केबल कार लेनी ही पड़ेगी यहाँ से, और कोई तरीका ही नहीं है जाने का। इवान की पहली केबल कार राइड। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद कुछ लेक जैसा बना रहे हैं ये लोग, आर्टिफिशियल लेक 2-3। अब वहाँ से हम आए हैं और हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे भी मैकडॉनल्ड्स है, खाने पीने का बहुत कुछ है। अब ये देखो केबल कार्स बहुत जगह लगी हुई है, ये शायद वापस जाने वाली है। यहाँ पे लोग बच्चों की फोटोज़ ले रहे हैं। वैसे तो ये बहुत कॉमन सा है जो पीछे लिखा हुआ है ना, ऐसे सिटी में हर जगह मिलते हैं। यहाँ कुछ लोग ये बचपन वाला गेम ही खेलने लग गए भाई, बोलो आप। चुंगी हम लोग खेलते थे जब हम 6th क्लास में थे। ये कुछ स्पेसशिप जैसा गेम है, सिर्फ बच्चों के लिए है।
चाइना का एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट बोल सकते हो। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी घूम रहा है। बाबू मजा आ गया। अब हम जा रहे हैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही है हमको। भूख लग रही है। अब हम इस दुकान पे आए हैं कुछ खरीदने के लिए स्नैक्स और कुछ। वहाँ पे देखो फ्राइड टोफू मिलता है यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी। अब प्रॉब्लम क्या हुई बताऊँ। अब यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, देखो आप हर जगह सीढ़ियाँ हैं। या हम लोग इवान को लेके हर जगह नहीं जा सकते, तो उड़न ने बोला है कि मैं जल्दी जल्दी देख लूँ और वो इवान को लेके जो रोड है, रोड का एरिया जहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है वहाँ पे घूमेगा। किसी ना किसी को तो इवान के साथ रहना पड़ेगा और ओडिन ही रहना चाहता है हमेशा। जब भी हम बाहर जाते हैं, नहीं मुझे दो ना, हमारे फ्रेंड्स को ना किसी और को, उसको इवान को रखना है बस। नज़ारे तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, यहाँ से साफ नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो एक रेस्टोरेंट बनाया है, ये देखो यहाँ पे पता नहीं क्या है, बच्चों का बस घूमने फिरने का भागने का एरिया है। ये जो रोड है ना, इस रोड पे दोनों गए हैं। मुझे उसने बोला कि हम लोग यहीं पे मिल जाएंगे, नो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस रोड पे कहीं आगे जाके हैं। वैसे कितना अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी तो मुझे आज भी लग रही है, जो भी है धूप तो नहीं है कम से कम। ये देखो ये लड़का कहाँ खड़े होके फोटो खिंचवा रहा है, ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते हैं। ये माउंटेन है नहीं, इतना लंबा चौड़ा है गाइस कि आप घूम ही नहीं सकते एक दिन में भी, मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बड़ा एरिया है। ये देखो आप, मैं टेंपल देख के आती हूँ। ये रहे ओडिन इवान, यहाँ वेट कर रहे हैं मेरा, और टेम्पल यहाँ पे है। यहाँ पे इन दोनों लड़कियों को देख के लगा मुझे भी एक सेल्फी ले लेनी चाहिए। मैं इतना थक गई हूँ चलते चलते। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने शॉर्टकट लिया था एक पहाड़ी के बीच में, ये रोड पे आ गई मैं, तो घूम के आने के बजाय पहाड़ी के ऊपर से चढ़ के। यार लोग देख रहे थे, व्लॉगिंग कहीं भी ऑफवर्ड ही होती है। नहीं जाना यहाँ पे है नीचे, अब मैं नीचे जाऊँगी, नीचे कोई टेम्पल वेम्पल है शायद, बहुत ऊपर नीचे ही हो रहा है इतने देर से। जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step. Take off shoes and walking without moving to make preparations. अच्छा यहाँ पे जूते उतारने बोल रहे हैं, सर एक्यूप्रेशर जैसा कुछ है, चाइना से ही आया है ना दोनों, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर। तो यहाँ पे है गेट ऑफ हेल्थ रोड एंड वॉक बेयरफुटली ऑन फ्लैट फ्लोर। बिना जूतों के चलना है अगर आपको, तो आप ये वाली रोड से चल सकते हो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ये टेंपल का रास्ता, जैसे हमारे नहीं तो हमारे भी शूज़ उतार के चलते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी शूज़ उतार के चलते हैं। चलो मैंने सोचा हम भी इंडियन हैं, शूज़ उतार के तो चल ही सकते हैं। वाओ बहुत अच्छा चुभ रहा है बाबा, ओह माय गॉड, ये तो कड़ी तपस्या करवा दी इन्होंने, दिस इज़ नॉट ईजी। हाँ बच्चे भी चल रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा चुभने वाले। अब पता नहीं स्टोन्स लग तो सिंपल रहे हैं गाइस, पर बहुत चुभ रहे हैं अगर। हाय हाय, ये मेरे ख्याल से अग्नि परीक्षा है टेंपल तक पहुँचने के लिए। तो मिट्टी में चलना अलग होता है, यहाँ पे चलना अलग, बहुत ही अलग। ओह माय गॉड, मुझे लगता है शूज़ पहनने पड़ेंगे, तभी लोग बीच रास्ते में ही पहन रहे हैं। डांसिंग चल रही है यहाँ पे, हल्की फुल्की डांसिंग। और मैं यहाँ पे हूँ, फोटो भेजा है यहाँ पे आ जाए बोला है मैंने उसको, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे हूँ मैं अभी। यहाँ पे KFC है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कोई स्पोर्ट्स सेंटर है शायद, वहाँ अंदर जाएंगे। और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग खा रहे हैं। ये बड़ा सा पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ किया हुआ है, मे बी कोई चाइनीज वर्ड है, कैरेक्टर हो सकता है चाइनीज कैरेक्टर। ओडिन मिल गया मुझे,
ओडिन आ रहा है और इवान अभी तक सो रहा है। बाबा कितना सो रहा है वो। अब यहाँ पे ये स्पोर्ट भी है लेकिन ओडिन ने बोला बहुत बोरिंग है क्योंकि ये शायद स्लोली जाता है। ओके, हमने ये रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया है गाइस, बहुत बड़ा है, यहाँ पे इतने सारे लोग खा रहे हैं, ये इतने सारे चेयर्स लगी हुई है और यहाँ का ट्रेडमार्क टर्टल घुसते ही। तो इस रेस्टोरेंट में हमको खाना अब खुद से सेल्फ सर्विस से टेबल पे लेके आना। वाओ, मुझे ये नूडल्स बहुत पसंद है, ये लग रहा है हांगकांग स्टाइल का फूड गाइस। ओडिन ने क्या जगह ढूंढ निकाली है गाइस, एकदम रेस्टोरेंट के यहाँ पे क्या है ना, अंदर घुसते ही बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ऐसे नहीं है कि एक आध है जिससे आपको ऑर्डर करना है। तो इसने ढूंढ निकाली है एकदम एकांत वाली जगह जहाँ पे हम तीनों बैठ के कर सकते हैं लंच और कोई परेशान करने वाला नहीं यहाँ पे। कि एक रिजॉर्ट नहीं है ये, एक बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ एक तरह से पूरा माउंटेन ही है ये, और पूरे माउंटेन को एक ही एक ही टिकट है पूरे माउंटेन पे जाने का। और यहाँ पे आपको 100 तरह के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आया है ये तो मुझे हांगकांग के अपने इंडियन चाइनीज़ नूडल्स की याद आ गई थी और मुझे दिख गए, तो मैंने सोचा ये ट्राई करके देखती हूँ। और ये हमारे बंस है, सिंपल ब्रेड है यहाँ की, जो कि नॉर्मल ब्रेड से बहुत ज़्यादा सुंदर होती है गाइस। इसका टेस्ट एकदम इंडियन चाइनीज़ नूडल्स के जैसा है, एग्जैक्टली। और ये ब्रेड में सीड्स लगे हुए हैं देखो आप, तो ये एग्जैक्टली अगर किसी को खाना है ना चाइनीज़, जो इंडियन चाइनीज़ हम खाते हैं, तो बस इस टाइप के नूडल्स ले लो आप, ऐसे दिखने चाहिए सिंपल, और उसमें बस थोड़े से स्प्रिंग अनियंस और स्प्राउट्स। खजूर का गुड़ भरा हुआ है। अब गाइस हम चल पड़े हैं टेंपल की तरफ जो 300 मीटर दूर है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। आ गया टेंपल गाइस, यहाँ पे हमारा टेंपल आ गया और अब हमें यहाँ फिर से चढ़ाई करनी है जो कि इवान के साथ पॉसिबल नहीं है। नेशनल चाइनीज म्यूजिक चल रहा है ये टेंपल वाली फील देने के लिए। चलो इवान लिटरली पूरी सीढ़ियां खुद चढ़ रहा है, देखते हैं कहां तक जाता है। अब टेंपल है तो चढ़ना ही पड़ेगा। इतनी देर मैं इसको लेके चढ़ रही थी, अब इसकी बारी है। बाबू थक गए क्या? थक गए तो मम्मी लेके चलेगी। तो गाइस ये कुछ नज़ारा है यहाँ टेंपल से, और बीच में ये एक पॉन्ड जैसा है जहाँ पे वही टर्टल बना हुआ है, और एक ब्रिज है वहाँ पे। अभी हम वहाँ ऊपर जाएंगे ना, हमको पता चलेगा, यहाँ से जाएंगे। कुछ कुंगफू पांडा की याद नहीं आ रही आपको मूवी की? पहाड़ों में घर, घर जो कि टेंपल जैसे लगते हैं, पहले तो यहाँ के घर टेंपल जैसे ही लगते थे,
यहाँ कुछ बड़ा बड़ा लिखा है रेड कलर में। रेड कलर बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए। बब्बू फिर चढ़ रहे हो तुम? यहाँ पे ऊपर मेन टेम्पल है, बहुत ज़्यादा ही अगरबत्ती जल रही है, कुछ पूरे एनवायरनमेंट में ब्रीद करना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा अगरबत्ती की स्मेल है। बब्बू क्या कर रहे हो? ये अप्पा जप्पा क्यों बोल रहे हो, कुछ और बोलो ना। अगरबत्ती हम भी जला देंगे और यहाँ पे दिए की जगह, जैसे हमारे दिए होते हैं उसके जगह यहाँ पे भी लैंटर्न्स हैं, इसमें दिए के जैसा ही बना हुआ है। ये भी सुंदर है बहुत। वाह, यहाँ अंदर जाने का भी है, अंदर भी बहुत सुंदर है। अरे अंदर तो ज़्यादा सुंदर है। वाह, यहाँ पे दो उल्टे स्वास्तिक लगे हुए हैं। ओ माय गॉड, और चढ़ाई देखो आप, चढ़ाई ही चढ़ाई है यहाँ पे तो। तो गाइज आई थिंक ये है मेन वाला टेंपल। ओ नो, ऊपर और बहुत सारे मेन टेंपल्स हैं, यानी सब मेन ही टेंपल हैं। हर लेवल पे आपको टेंपल मिलेंगे पहाड़ी के, तो मुझे लगता है बहुत हमको टाइम लग जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे रूट्स के साथ, एक्चुअल रूट्स के साथ क्या कलाकारी की हुई है। देखो आप, ये रियल रूट्स है। बाबू तुम सेफ हो, यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, कहीं भी भागो तुम। कैमरा नहीं लेना बाबू, कैमरा मत लो ना प्लीज, मजे करो ना यहाँ पे, इतना अच्छा है बाबू, कितना सुंदर। तुमको कैमरा चाहिए, इतनी सारी खेलने की चीज़ें हैं तुम्हारे पास, इतनी सारी। देखो पापा जाके देख रहे हैं नज़ारे, ऊपर जाना है, चले जाओ। ये